Good morning, students. I'm your teacher here. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, in today's lecture, हम हमारा continue करेंगे हमारे chapter reading. Okay? हमने last तक किया था कि in Braille books के जो blind लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके लिए अलग से keyboards या typewriters या alphabets को पहचानने की एक अलग से book आती है. इन ब्रेली बुक हमने किया था हैव अ शॉर्ट लुक या हैव अ ब्रीफ लुक ऑन अवर पास्ट वीडियो. हमने क्या किया था, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी अवर बॉडी से. हमने इसमें किया था कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बट जो कुछ लोग होते हैं वो फिजिकल डिसेबल होते हैं, राइट. फिजिकल डिसेबल के बाद हमने किया था कि वहां पे गिनी और एक सिनी है, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, जिसमें से एक जो उसकी फ्रेंड है वो क्या है, गिनी जो है वो क्या है, ब्लाइंड है. ओके, बट वो क्या करती थी, वो बुक्स में से पढ़ती थी. फिर हमने एक बुक का नाम सुना कि जो गिनी थी, गिनी ऑल्सो रीड्स पोएम फ्रॉम हर बरेली बुक्स, कि वो बरेली बुक से अपने पोएम्स पढ़ती थी. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ब्लाइंड है वो बुक किसे पढ़ेगा. तो बरेली बुक इज अ बुक, अल्फाबेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रेज डॉट्स, कि जहां पे जो वो बुक होती है, अगर आप पिक्चर में यहाँ पे देख पाओ कि वहां पे जो डॉट्स के थ्रू जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो क्या करना करते हैं, अपनी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ हमें कहता है, सम ब्लाइंड पीपल कीप अ गाइड डॉग विद देम, जो कुछ ब्लाइंड पीपल होते हैं, सम मतलब कुछ, ब्लाइंड मीन्स जो अंधे होते हैं, पीपल कीप अ गाइड डॉग. गाइड डॉग मीन्स कि जो डॉग उन्हें गाइड कर सके, लाइक जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो डॉग है वो आगे आगे चल रहा है, जो वो ब्लाइंड लेडी है वो क्या कर रही है, वो उसके पीछे पीछे जा रही है. तो वो क्या करते हैं, गाइड डॉग रखते हैं जिसकी हेल्प से वो बहुत इजली चल पाते हैं. सच डॉग इज ट्रेन टू हेल्प ब्लाइंड पीपल मूव अराउंड एट होम. कुछ जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उन डॉग को ट्रेंड करते हैं ताकि वो हेल्प कर सके. किनकी ट्रेन, मतलब किसी को तैयार करना. ब्लाइंड मतलब अभी आपको ऊपर बताया था मैंने, पीपल को मूव अराउंड, मूव अराउंड मतलब इधर उधर चलने में हेल्प कर सके. कहाँ पे, होम में, रोड पे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ, लिफ्ट्स में या अदर प्लेसेस, कहीं भी जाने के लिए वो जो डॉग्स हैं वो क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे. दे कीप देम सेफ फ्रॉम एनी डेंजर्स. डेंजर मतलब खतरा. कीप देम सेफ मीन्स उन्हें सुरक्षित रखते हैं. किससे, डेंजर से, मतलब वो उन्हें दूर रखते हैं खतरे से, ताकि जैसे अभी आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हो बेटा कि जो डॉग है वो आगे चल रहे थे, लाइक कोई व्हीकल आएगा तो डॉग पहले अवेयर हो जाएगा और ये पर्सन, ये जो पर्सन है जिसने डॉग को लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा. ओके, सो दे इवन हेल्प देम टू डू द शॉपिंग. वो बोलते हैं कि जबकि इतना सब होने के बाद भी वो क्या करते हैं, हेल्प मतलब मदद करते हैं किनकी, शॉपिंग की. किनकी मदद करते हैं, ब्लाइंड पर्सन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें कहते हैं, समटाइम्स व्हेन पीपल ग्रो ओल्ड, समटाइम्स मतलब कुछ कभी कभी या किसी समय में, जब कोई पीपल ग्रो ओल्ड, ग्रो मतलब बढ़ना, पीपल मीन्स कोई भी ह्यूमन, जो ओल्ड मतलब बूढ़ा हो जाता है, देयर बॉडी टर्न्स वीक, जो उनके जो बॉडी है टर्न्स मतलब बदलाव करना शुरू कर देती है, वीक हो जाती है. वो पहले तो जैसे हम बोलते हैं जवान है तो वी कैन डू एनीथिंग या हम अच्छे से काम कर सकते हैं, बट जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या नहीं कर पाते, उतना प्रॉपर काम नहीं कर पाते. देयर हियरिंग एबिलिटीज एंड विजन पावर ऑल्सो गेट अफेक्टेड, जो उनकी हियरिंग एबिलिटीज मतलब जो उनकी सुन, हियरिंग मतलब सुनना, एबिलिटीज मतलब जो उनकी शक्तियां हैं या वो जो चीज कर सकते हैं. विजन पावर, विजन पावर मीन्स, विजन मतलब आईज से देखना, जो उनकी आंखों से देखने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है. तो मतलब उन्हें सुनना भी कम हो जाता है और उन्हें दिखना भी कम हो जाता है. दे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जो उनके साथ क्या होता है कि दे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, के उन्हें डिफिकल्टी मतलब मुश्किल आना, किसके अंदर, वॉकिंग के अंदर, कि उन्हें वॉकिंग करते टाइम भी मुश्किल होती है, चलते टाइम भी. दे मे ऑल्सो सफर फ्रॉम डिजीजेस, वो क्या करते हैं, सफर मतलब किसी भी डिजीज या किसी चीज से, मतलब हम बोलते ना कि ये इस चीज को बियर कर रहा है, लाइक कि सफर कर रहा है, मतलब कि अब मुझे बुखार है तो वो इस चीज को सफर कर रहा है, या वो अगर पुअर हो चुका है या वो
गरीब हो चुका है तो वो अपने क्या कर रहा है, वो इस टाइम सफर कर रहा है, मतलब टाइम निकाल रहा है फ्रॉम डिजीजेस, के मतलब वो बीमारियों से जूझ रहा है। दैट डू नॉट लेट देम स्पीक नॉर्मली, कि वो चीज होती है वो डू नॉट मतलब नहीं करने देती, लेट देम स्पीक मतलब कि उन्हें नॉर्मली स्पीक मतलब बोलना, कि वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते हैं, नॉर्मली भी वो बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उन्हें बीमारियों की वजह से बोलने में भी दिक्कत आती है। ओके, दस ओल्ड पीपल नीड पीपल अराउंड देम टू हेल्प देम, इसलिए ओल्ड पीपल को क्या होते हैं, ओल्ड मतलब पुराने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें नीड मतलब जरूरत होती है किन पीपल्स की, अराउंड देम मतलब आसपास, टू हेल्प देम मतलब उनकी मदद करने के लिए। ओके, सो अब आज की हमारी चैप्टर रीडिंग इतनी रहेगी, और आज आप क्या करोगे, आप इस पेज को बहुत अच्छे से रीड करोगे और साथ में इन मीनिंग्स को अच्छे से समझ पाओगे। सो हम एक पहरा और करते हैं इसका। चीनीज ग्रैंड मदर्स आई साइट इज वीक, जो कोई चीनी थी वहां पे, पर्सन थी, उसकी ग्रैंड मतलब उसकी दादी या नानी, आई साइट मीन्स आंखों को देखना, आई सेट बोलते ना हम, कभी डॉक्टर पूछता बेटा आपकी आई सेट नॉर्मल है, मतलब आपको आंखों से प्रॉपर दिख रहा है, इज वीक, वीक मतलब कमजोर, जो चिनी की दादी थी उसकी आंखें क्या थी, कमजोर थी, दस शी यूजेस स्पेक्टेकल्स टू रीड न्यूज़पेपर और वॉच टीवी, और वो क्या करती थी, शी यूजेस मतलब वो क्या यूज करती थी, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मीन चश्मा, जिसे हम लगाते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, चश्मा, और हम उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स, क्या मैम के पीछे रिपीट करो, स्पेक्टेकल्स। सो यू शुड यूज दिस वर्ड व्हेन एवर आप अपने घर में देखते हो, यू सी अ स्पेक्स देयर, स्पेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल्स, व्हेन एवर यू सी अ चश्मा इन योर हाउस, राइट, देन आप उसे क्या बोलोगे, चश्मा नहीं बोलोगे, ऐनक नहीं बोलोगे, स्पेक्स नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, स्पेक्टेकल्स, क्या बोलोगे, स्पेक्टेकल्स, टू रीड, रीड मीन्स पढ़ना, न्यूज़पेपर और वॉच टीवी, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ने के लिए और टीवी देखने के लिए वो क्या यूज करती थी, स्पेक्टेकल्स मतलब स्पेक्स यूज करती थी। चीनी ऑलवेज टेक केयर्स दैट शी फेचेस हर ग्रैंड मदर स्पेक्टेकल्स व्हेनेवर शी आस्क्स फॉर इट, जो चीनी थी वो क्या करती थी, वो क्या करती थी, जब भी उसकी जो ग्रैंड मदर है वो इतना टेक केयर्स मतलब ध्यान रखना, ऑलवेज मतलब हमेशा, दैट शी फेचेस हर ग्रैंड मदर स्पेक्टेकल्स मतलब वो व्हेन एवर शी आस्क फॉर, आस्क मतलब पूछना, जब भी गिनी की ग्रैंड मदर उसे कहती थी कि मुझे स्पेक्स चाहिए, वो क्या करती थी, एकदम से स्पेक्स को ले आती थी, फेचेस मतलब लाना, फेच मीन्स लाना, सो यू टूडे यू जस्ट लर्न two new words, spectacles and fetch, so you have to revise these words and use in your daily life. Okay, so students, this is your video from Cosmonaut International School. See you soon, have a good day students.